25 जुलाई 2019। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आज अब्बू को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल वालों ने और वो घर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वीकनेस है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ही ठीक होगी, क्योंकि उनकी उम्र भी 63 ईयर्स ओल्ड है। तो 63 साल की उम्र में रिकवरी होना काफ़ी स्लो प्रोसेस बन जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों की दुआएं साथ रहीं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बरसात का मौसम है, रात को खूब अच्छे से बारिश हुई और दिन में भी बारिश हो रही है। टाइम टू टाइम वक्त वक्त के साथ साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसा मौसम कटिंग लगाने के लिए भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, बल्कि माना नहीं जाता बल्कि कटिंग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा भी है। तो सॉफ्ट वुड कटिंग आप अपने घर में बहुत आसानी से बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। हार्ड वुड कटिंग भी लगा सकते हैं, मतलब हार्ड लकड़ी, जिस तरह के ये भी आपको दिख रही है ये लकड़ी है, तो इस तरह की कटिंग भी चल जाती है। लेकिन सॉफ्ट वुड कटिंग, नरम लकड़ी वाली कटिंग, जिस तरह क्रीपर जैनी की कटिंग है, ये देख सकते हैं कितनी नरम नरम सी इसकी ब्रांचेज हैं, तो इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। नैंथ्रा की कटिंग भी लगा सकते हैं, ये तो वैसे भी 12 महीने कभी भी लगा सकते हैं, और सबसे बढ़कर अमरेंथस की कटिंग को आप लगा सकते हैं। ये नरम नरम ब्रांचेज, टहनियाँ नरम नरम होती हैं इसकी, तो बरसात का मौसम, ह्यूमिडिटी वाला मौसम इनकी कटिंग की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। फाइकस की कटिंग भी आप लगा सकते हैं, ये देखिए ये है पांडा फाइकस, ये इसके गोल गोल से पत्ते होते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। एडीनियम की कटिंग आप नहीं लगा सकते बरसात के मौसम में, क्योंकि ये गल जाएगी, इसको बाहर के मौसम में लगाया जाता है। कैक्टस और सैक्यूलेंट की कटिंग आपने नहीं लगानी बरसात के मौसम में, बाकी तकरीबन हर पौधे की कटिंग आप जो नरम लकड़ी वाला हो, जैसा कि ये है, इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। सॉफ्ट वुड कटिंग जो नरम लकड़ी वाले पौधे हैं उसको तकरीबन 1.5 से 2 इंच तोड़िए और उसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए। नॉर्मली मिट्टी के अंदर ही इसकी कटिंग चल सकती है, मतलब किसी भी नरम लकड़ी वाले पौधे की। ओनली भालू मिट्टी के अंदर भी इसकी कटिंग को लगाएंगे तो ये कामयाबी से अपनी रूटिंग कुछ ही दिनों में शुरू कर सकती हैं। पर्दा बेल की कटिंग हो, ये पर्दा बेल जिसको कर्टन वाइन भी कहते हैं, प्राइवेसी वाइन भी इसको कहते हैं, ये भी नरम लकड़ी ही होती है, इसकी भी कटिंग आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं। और शकरकंदी बेल की कटिंग भी आप आसानी से लगा सकते हैं बरसात के मौसम में, ये तो वैसे किसी भी मौसम में लगाई जा सकती है, लेकिन बरसात का मौसम उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनसे कटिंग कामयाब नहीं हो पाती। तो बरसात का मौसम एक ऐसा आइडियल मौसम बन जाता है, ऐसा आइडियल टेम्परेचर मिल जाता है कटिंग की रूटिंग शुरू करने के लिए, कि वो जल्दी से ही अपनी रूटिंग को शुरू कर लेती है। और उसके जो पत्ते होते हैं, जब हम कटिंग को काट कर मिट्टी के अंदर लगाते हैं, तो इसके पुराने पत्ते ड्राई भी नहीं होते जल्दी, क्योंकि हवा के अंदर पहले ही काफ़ी नमी मौजूद होती है। गुलाब की कटिंग भी चल सकती है इस मौसम में, लेकिन गुलाब की कटिंग के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है बाहर के दिनों में, दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में इसकी कटिंग को लगाएं तो ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अदरवाइज रेनी सीजन में भी आप इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। मिर्च की कटिंग हो, नींबू की कटिंग हो, मनी प्लांट की कटिंग हो, किसी भी टाइप की कटिंग हो, वो बरसात के मौसम में भी आप शुरू करवा सकते हैं रूटिंग उसकी। तो सोचा बरसात के दिन हैं तो आपको बता दूं, आप जितनी भी कटिंग्स को लगाना चाहते हैं, आपके पास जितने भी पौधे हैं, हर एक पौधे की 4 कटिंग्स लगाएं या 3 कटिंग्स लगाएं, उनमें से अगर एक भी शुरू हो जाती है तो आपके पास 2 पौधे तो बन ही जाएंगे हर वैरायटी के। तो कटिंग लगाते जाइए, अपना पौधा मल्टीप्लाई करते जाइए। और मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।